चलो क्या है वो आया था आज गया चलो भाई जोमेट्री फोर्थ क्लास भी सभी ठीक है तो लास्ट क्या किया था अपने इन सेंटर की बात कर रहे थे ना इन सेंटर की बात कर रहे थे एंगल बाय सेक्टर होगा था और इन सेंटर चलो हाँ एक्स सर्कल के बारे में बताया था ना कि ट्रायंगल के अंदर कितने एक्स सर्कल होते हैं तीन एक्स सर्कल होते हैं ट्रायंगल के बाहर तीन एक्स सर्कल बनते हैं ठीक है चलो एंगल बाय सेक्टर की उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं ये एंगल बायो और ये एंगल बाय सेक्टर जहां काटते हैं इस एंगल को हमने कितना बोला था भाई अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस ए टू। ये एंगल कुछ ऐसा हो जाएगा ना और कैसे आया अपने इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं इसको तो अगर ये एंगल ए है ये पूरा एंगल बी है तो याद हो जाएगा क्योंकि एंगल बायो है आधा हो जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा ये b/2 और ये भी एंगल बाय सेक्टर है तो कितना हो जाएगा c/2 इसके बारे में मान लो एक बार आपको नहीं पता इसको आपने x मान लिया तो बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल क्या बोलता है मुझे a plus b plus c बराबर कितना होगा 180 ये बात मुझे बोली है बड़े वाले ट्रायंगल ने ये छोटे वाले ट्रायंगल मुझे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक्स प्लस बी बाई टू प्लस सी बाय टू बराबर कितना है ओके okay. इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके बी और सी को खत्म करना है तो मैंने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन को सभी को दो 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 से डिवाइड कर दिया और फिर इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया आपस में तो माइनस करेंगे तो इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा एक सौ अस्सी में से नब्बे गया नब्बे और इधर क्या आएगा एक्स माइनस ए बाई टू तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी नाइनटी प्लस ए बाई टू आ जाएगी ठीक बात अभी ओके कल किया था हमने, नाइनटी प्लस ए बाई टू बढ़िया तो ये रिजल्ट अपना कल हो गया था आज एक नया रिजल्ट है याद रखना है वो आया कैसे आप उसको सोल्व करोगे पहले प्रूफ करोगे वो रिजल्ट आएगा कैसे कहता है किसी ट्रैंगल के अंदर किसी एक एंगल का इंटीरियर एंगल बाय और इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाय सेक्टर जहां कटेंगे वो जो एंगल आएगा वो एंगल इस एंगल का आधा कि अगर ये एंगल ए है ना पूरा तो ये एंगल अपने पास कितना आएगा ए, ए बाय टू आएगा ठीक बात है रिजल्ट याद रखना ये इंटीरियर एंगल बायोसेक्टर है यहां पे ये वाला और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल बायोसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बायोसेक्टर आपस में जिस जगह पर काटेंगे वो एंगल ए बाय टू आएगा ठीक बात है ओके आया कैसे अपने इसके बारे में भी बात कर लेते हैं आया कैसे अपने ये भी देख लेते तो अगर ये पूरा एंगल बी था और ये एंगल सी था तो क्या ये इतना, इतना बी बाय टू बी बाय टू हो जाएगा क्योंकि ये अपना क्या है एंगल बाय अगर इधर वाला ये पूरा एंगल सी है तो क्या बाहर वाला ये पूरा एंगल जो होगा ये 180 सौ अस्सी माइनस सी हो जाएगा सही बात है अंदर वाले को हमने C बोला अंदर वाले एंगल को अगर मैं सी बोलता हूं तो बाहर वाला एंगल मेरा हो जाएगा वन एटी माइनस सी और ये एंगल बाय सेक्टर है तो क्या ये आधा आधा बंट जाएगा वन एटी माइनस सी इसको करना भी आधा वन एटी माइनस सी को तो वन एटी का आधा नब्बे सी का आधा सी बाय टू तो नाइनटी माइनस क्या हो जाएगा सी बाय टू एक बार ये मान लो मुझे नहीं पता एक्स मान लो जो मुझे निकालना है ठीक ओके okay. तो ये बड़े वाला राइट एंगल ट्रेंगल मुझे बोलता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा वन एटी और ये ग्रीन वाला एंगल मुझे ट्रेंगल मुझे क्या बोलता है कि बी बाय टू प्लस एक्स प्लस ये पूरा एंगल बताना कितना होगा ये इतना इतना ये पूरा एंगल सी प्लस नाइन्टी माइनस सी बाय टू बराबर कितना आ जाएगा 180 सही है अभी ओके तो यहां से यह आ गया b बाई टू प्लस एक्स ये नब्बे उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो में क्या बन गया 90 और c में से c बाई टू गया तो क्या आ जाएगा c बाई टू इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा तो बाई टू बाई टू बाय टू बाय टू, टू किया इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये नब्बे से नब्बे कट गया सी बाय टू से सी बाय टू कट गया बी बायटू से b बाई टू कट गया तो इसका मतलब a by 2 किसके बराबर है x x के तो x की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखी थी a बाई टू लिखी थी ठीक बात है ओके रिजल्ट याद रखेंगे बार बार इसको इस तरीके से सोल्व नहीं करना ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है कि जितना एंगल ये आएगा उसका ये एंगल क्या होता है हाफ होता है पर एंगल बनता कब है एक एंगल का इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर और दूसरे एंगल का एक्सटीरियर एंगल बाय सेंटर, ठीक है भाई, हो गया, सुस्ती क्यों है? तुझे किसको है? ठीक है भाई, चलें आगे, हाँ, 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 रिजल्ट होएगा बिल्कुल होगा, जो एंगल तीसरा बच जाएगा ना, उसका हाफ हो जाएगा, अगर तो बी और सी एंगल को ले रहा है तो ए का हाफ हो गया और कल को तू अगर ए और सी को लेगा तो रिजल्ट बी वाले का हाफ हो जाएगा ठीक है तीसरे एंगल का हाफ हो जाएगा चले आगे ठीक है लिखो सरकम सेंटर डालो सरकम सेंटर हिंदी में बोले तो इसको परी के अंदर बोलते हैं सरकम सेंटर ठीक है सरकम सेंटर किससे बनता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड बायोसेक्टर्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड बायोसेक्टर्स बोल दो या फिर इसी साइड बायोसेक्टर को आप परपेंडिकुलर बायोसेक्टर भी बोलते हो दोनों का मतलब सेम होता है साइड बायोसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर बायोसेक्टर भी होता है तो किसी लाइन को बिल्कुल बीचों बीच से 90 डिग्री पर काटने वाली जो लाइन होती है ना उसको अपने साइड बायोसेक्टर बोलते हैं या फिर लाइन का परपेंडिकुलर बायोसेक्टर बोलते हैं ठीक बात है एक ऐसी लाइन जो कहां से गुजरे मिड पॉइंट से भी गुजरे और साथ में एंगल कितना बनाए 90 मिड पॉइंट से तो मीडियन भी गुजरती थी लेकिन मीडियम को मीडियन को 90 डिग्री के साथ कोई मतलब नहीं था ठीक है लेकिन यहां पर जो साइड बायोसेक्टर या पर पेंडिकुलर बायोसेक्टर होता है मिड पॉइंट पर क्या होता है 90 डिग्री तो अगर किसी ट्रेंगल की अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास कोई ट्रेंगल है और इसके अगर मैं तीनों के तीनों साइड बायोसेक्टर बनाता हूं मिड पॉइंट से इसका मिड पॉइंट यहां मान लो इसका मिड पॉइंट यहां मान लो तो तीनों साइड बायसेक्टर जिस जगह पर काटते हैं उस पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं सरकम सेंटर बोलते हैं मैंने इसको सी से लिख दिया ठीक बात है ओके okay? ये मेरा ट्रेंगल इस बार ट्रेंगल मैंने क्या ले लिया पी क्यू आर ठीक है एबीसी मैं ले नहीं सकता क्योंकि सी मेरा क्या होता है सरकम सेंटर होता है ठीक बात है ओके समझ गई बात ये जो साइड बायसेक्टर होता है ना ये मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर होता है इसको सामने वाले वर्टेक्स साथ कोई लेना देना नहीं है ये साइड में से कहीं से निकल जाएगा ठीक बात है ओके साइड बाय सेक्टर। इधर से जरूरी नहीं है कि इसको वर्टेक्स की ओर लेके जाना है अगर यही मिड पॉइंट से वर्टेक्स की ओर चला जाता तब तो मेरी क्या बन जाती मिडिन बन जाती है। ठीक बात है ओके शीट वन ज्योमेट्री की थी भाई केतन शीट वन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री की ही थी ये तिवारी क्या कह रहा है सर मैं रह गया कहा रह गया ये है ठीक है भैया ओके तो ये मेरा क्या हो गया सर्कम सेंटर हो गया सी और इस सर्कम सेंटर को कभी भी अगर आप सर्कल मा, सेंटर मानकर सर्कल खींचोगे ना वो सर्कल इस तरीके से बाहर से गुजरेगा तीनों वर्टेक्स से गुजरेगा ये चीज बहुत काम है ऐसे सर्कल बनाए हाँ बनी गया ठीक है भी ओके okay? सर्कम सेंटर को सर्कम सेंटर को सेंटर मानकर कभी भी सर्कल खींचोगे तो सर्कल इस तरीके से क्या हो जाएगा तीनों वर्टेक्स से गुजरेगा तीनों वर्टेक्स से सेंट्रोइड के ऊपर कौन सा सर्कल होना था? ठीक है भी ओके okay? तो इन सर्कल के अंदर सेंटर कैसा था इन सर्कल इन सेंटर के अंदर सर्कल अंदर बनता था सर्कम सेंटर के अंदर क्या होगा सर्कम सर्कल जो होता है वो बाहर होता है ठीक बात है ओके ठीक अब मुझे ये बताओ क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो सर्कम सेंटर होता है वो तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पे होता है सही है। हाँ भाई ये सारी की सारी लाइनें जो मैंने अब बनाई है ये सारी की सारी लाइनें क्या होगी बराबर होगी क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है सर्कल की रेडियस है और रेडियस तो सभी साइड बराबर ही होती है इसको मैंने किससे लिख दिया कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल आर से तो मैं ये कह सकता हूं कि सर्कम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टेक्स से क्या होता है सेम डिस्टेंस पर होता है सही बात है और अगर कभी आपको इस आर की वैल्यू निकालनी हो इस आर की वैल्यू निकालनी हो तो आपका आंसर आ जाएगा A, B, C, में चार डेल्टा। सरकम सर्कल की रेडियस आ जाएगी तो सरकम सर्कल की कभी भी आपको रेडियस निकालनी पड़े तो तीनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देना और अपॉन में क्या कर देंगे फोर डेल्टा ठीक बात है अभी ओके है। याद रह जाएगी सरकम सर्कल की रेडियस ठीक बात है ओके है एबीसी अपॉन में चार डेल्टा सर्कम रेडियस हाँ सभी क्या के क्या सरकम लग जाएगा सर्कम सेंटर हो जाएगा सर्कम रेडियस हो जाएगा सर्कम सर्कल हो जाएगा ठीक बात है ओके okay. समझ आ गई बात चलें आगे और भाई एक बार पीडीएफ से कर ले उस्ताद जब आएगी मैं बता दूंगा ठीक है ओके okay. ये सरकम रेडियस जो मैंने बनाई है ना दोनों इन सर्कम रेडियस के बीच का ये जो एंगल होता है ये सामने जो एंगल पी बना था ना ये पूरा उसका ट्वाइस होता है ये रिजल्ट याद रखना कि ये पूरा एंगल जितना भी है ये उसका ट्वाइस होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो इस पूरे एंगल को मैं टू थीटा बोलूंगा टू थीटा याद रखना इसको टू थीटा सर्कल के सेंटर पर बना एंगल सर्कम पर बने एंगल का क्या होता है डबल होता है हमेशा सर्कल के सेंटर पर बना एंगल सरकम फ्रेंस पर बने एंगल का हमेशा डबल होता है ठीक बात है ओके okay. इस तरीके से सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है सर्कम पर बने एंगल का क्या होता है डबल होता है और ये आपके पास क्या थी सर्कम रेडियस आर आर याद रखना ये बात उसमें इन सर्कल में क्या था 90 प्लस ए बाई टू नाइंटी प्लस ए बाई टू यहां अगर इसको ए बोला तो टू ए थीटा बोल दिया तो टू थीटा अब सुनो आगे अगर ट्रैंगल आपका है एक्यूट एंगल ट्रेंगल तब तो भाई आपका ये सर्कम सेंटर जो होता है ना वो अंदर ही बनेगा अगर आपका ट्रेंगल है राइट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल ठीक है तो ये सरकम सेंटर बाहर बनेगा बाहर बनेगा अगर ट्रेंगल आपका राइट एंगल ट्रेंगल है तो ये सर्कम सेंटर जो होगा वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनेगा इस बात का ख्याल रखना मतलब सरकम सेंटर जो होता है वो ट्रेंगल के अंदर भी हो सकता है ट्रेंगल के बाहर भी हो सकता है और ट्रेंगल के ऊपर भी हो सकता है ऊपर किस केस में होगा सिर्फ राइट एंगल के और होगा भी कहां पर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बहुत काम की चीज है अगर इनके अगर इनके ऊपर मैं सर्कल बनाने की कोशिश करूं तो मुझे बताओ क्या ये जो सर्कल का डायमीटर है क्या ये राइट एंगल ट्रैंगल का हाइपोटेनस ही नहीं हो जाएगा है ना राइट एंगल ट्रैंगल का हाइपोटेनस है वो किसका काम करने लग जाएगा सर्कल के डायमीटर का यहां तो सर्कल सिंपल सा ऐसे बनेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे तो राइट एंगल ट्रैंगल के अंदर सर्कम सेंटर जो होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है तो सर्कम रेडियस कितनी हो जाएगी बताना भाई सर्कम रेडियस सरकम रेडियस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस यही तो रेडियस है तो क्या ये सरकम रेडियस जो होगी वो हाइपोटेनस का हाफ कर दे तो कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मेरे से सर्कम रेडियस पूछी जाए तो मैं क्या करूंगा हाइपोटेनस जो होगा उसका क्या कर दूंगा हाफ कर दूंगा ठीक बात है राइट एंगल ट्रेंगल में कभी भी सरकम रेडियस पूछी जाए तो मैं हाइपोटेनस का हाफ कर दूंगा ठीक बात है ओके सरकम सेंटर कोई बात ना समझ आई हो तो बताना भाई ठीक है तो सरकम सेंटर ट्रैंगल के अंदर भी हो सकता है ट्रैंगल के बाहर भी हो सकता है और ट्रेंगल के ऊपर भी हो सकता है आगे चलते हैं सरकम सेंटर के बाद अगला मेरे पास है ओर्थो सेंटर और्थो सेंटर। हिंदी के अंदर इसको बोलते अपने लंब के अंदर ओर्थो सेंटर होता क्या है जहां पर हमारे ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड सर बाकियों में फॉर्मूले से निकाल जाएगी हाँ बाकी में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एबीसी अपॉन फोर डेल्टा सर राइट एंगल में सर्कम सेंटर को 90 वाले वर्टेक्स से मिलाने वाली राइट एंगल ट्रैंगल में सर्कम सेंटर को 90 डिग्री से वाली जगह से मिलाने वो भी सर्कल की रेडियस ही तो है यार अगर तो इस जगह से मिलाएगा वो भी तो रेडियस ही बनेगी तो ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तीनों बराबर होगी ठीक है तीनों की तीनों बराबर होएगी हाइपोटेनस का हाफ वो नहीं लगती क्वेश्चन में पता ज्यादातर क्या लगता होता है राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से परपेंडिकुलर फेंका करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन उसके बनते हैं इसके ऊपर तो कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी आया होगा ठीक है चलो आगे चलते हैं अपने इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स एल्टीट्यूड क्या होते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर फेंक दो ठीक है तीनों परपेंडिकुलर जिस जगह पर काटे हैं ना उसको अपने क्या बोलते हैं ओर्थोसेंटर बोला जाता है ओर्थोसेंटर ठीक बात है ओके एल्टीट्यूड हाइट अगर हम बोलते हैं ना ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है वो हाइट ही एल्टीट्यूड ही होते ठीक है एल्टीट्यूड ही होते हैं तो ये आपके पास ए बी और सी है इसको एम नाम दे दिया इसको एन नाम दे दिया इसको एल नाम दे दिया ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा तो ट्रायंगल के अंदर तीन क्या होते हैं एल्टीट्यूड और तीनों एल्टीट्यूड जहां पर काटते हैं वहां पर क्या बनता है इसका भी सिर्फ एक ही रिजल्ट है कि अगर ये पूरा एंगल ए है तो ये जो एंगल होगा ये 180 एट्टी माइनस ए होगा वन एट्टी माइनस ए वन एट्टी माइनस ए पूरा एंगल अगर ए है तो सामने वाला एंगल जो होगा वो आपके पास होगा 180 एटी माइनस ए होगा ठीक है भाई ओके इसका सिर्फ ये एक ही रिजल्ट है कि अगर एंगल ए है तो ये आपके पास क्या होगा 180 एटी माइनस ए होगा वो तो एरिया ऑफ ट्रेंगल से निकल जाएगी ठीक है अभी ओके okay? अब सुनो ये जो ओर्थोसेंटर होता है ये भी वही तीन बातें ट्रेंगल के अंदर भी हो सकता है ट्रेंगल के बाहर भी हो सकता है ट्रेंगल के ऊपर भी हो सकता है ठीक है जैसे अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रेंगल है एक्यूट एंगल ट्रेंगल ये बना ही हुआ है एक्यूट एंगल ट्रेंगल के अंदर सेंटर जो होता है वो ट्रेंगल के अंदर होता है अगर मैं राइट एंगल ट्रेंगल बनाता हूं तो कहां होगा? Right angle, के अंदर यहां से खड़े होकर सामने वाली साइड इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर फेंक का तो क्या यही लाइन बनेगी यहां पर खड़े होकर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर फेंक का तो क्या यही लाइन बनेगी यहां पर खड़े होकर सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर फेंका तो यहां गिरेगी तो तीनों एल्टीट्यूड कहां काट रहे हैं इस जगह पे मतलब राइट एंगल ट्रैंगल के अंदर जिस जगह पर 90 डिग्री एंगल बनता है ना ऑर्थ सेंटर हमेशा उसी जगह पे होता है ठीक बात है ओके okay जी समझ आ गई बात कपिल क्या कह रहा है नमस्ते ले लो गुरु रिकॉर्डिंग से देखता होता हूँ ये भी ठीक है ठीक है भाई ओके okay तो राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर जिस जगह पर 90 डिग्री एंगल बनता है ऑर्थो सेंटर उस राइट एंगल वाली जगह पर ही होता है ठीक बात है चले आगे अगर आपका ट्रैंगल ओब एंगल है इस तरीके से आपका अगर कोई एंगल आ गया ये ट्रैंगल कैसा है ओब्ट्यूज एंगल तो जो वन वन ये ऑब्टूस एंगल वाला है ना एंगल नब्बे से जो बड़ा होता है ऑर्थो सेंटर उसके पीछे कहीं ना कहीं बनता है बैक साइड ठीक बात है थ सेंटर बाहर बनेगा और उसके कहां बनेगा बैक साइड बनेगा कैसे बनेगा सुनना बात करते हैं इसके ऊपर हाँ भाई क्या यहां से ऐसे मैं परपेंडिकुलर फेंक सकता हूं नहीं गिरेगा क्योंकि परपेंडिकुलर तिरछा होएगा ना तो मुझे इसकी हाइट बताने के लिए कहां आना पड़ेगा बाहर आना पड़ेगा मतलब ये जो ग्रीन कलर वाली जो लाइन है ये इस वर्टेक्स से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर फेंका गया सही बात है तो परपेंडिकुलर फेंकने के लिए इस साइड को मुझे हल्का सा क्या करना पड़ेगा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा सही बात अभी ओके है मेरा एल्टीट्यूड ठीक है फिर इस साइड को ये जो मेरी साइड है ये वाली साइड इस साइड को भी हल्का सा एक्सटेंड कर लेता हूं ले। अब परपेंडिकुलर फेंको यहां से अंदर तो गिरेगा नहीं कहीं पर भी है ना तो ये जो बाहर एक्सटेंड किया गया है इसी के ऊपर ही ऐसे परपेंडिकुलर गिरेगा। और इससे इधर जब अल्टीट्यूड फेंकूंगा यहां पे, इस साइड ठीक है तो इस एल्टीट्यूड को भी हल्का सा पीछे एक्सटेंड कर दूंगा तो तीनों एल्टीट्यूड जिस जगह पर काटते होते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा ओर्थोसेंटर का पॉइंट आ जाएगा ठीक है समझ आ गई बात कि जब ट्रेंगल मेरा कैसा होता है ओब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल होता है उसका ओर्थोसेंटर जो होता है ट्रेंगल के ओपट एंगल के बैक साइड बनता है ऑप्टूस एंगल के बैक साइड बनता है कह रहा है ऑब में किस एंगल को 180 से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा जो अपोजिट होता है भाई अगर ये ए था तो ये सामने वाला ए टू ये ए था ना तो इसके सामने ए तरीके से अगर मैं ये बी एंगल बोलता हूं तो इतना इतना एंगल 180 माइनस बी हो जाएगा ठीक है और सेम उसी तरीके से जो तीसरा बच जाएगा ये अगर मेरा सी है तो इसके सामने ये जो होगा ये 180 एटी माइनस सी होगा ठीक है सामने वाला तो अब ट्यूस एंगल जो होता है जो ओर्थो सेंटर होता है ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल के बाहर ट्रेंगल के ऊपर कहीं पर ही बन सकता है ठीक बात है तो सेंट्रोइड और इन सेंटर हमेशा ट्रेंगल के अंदर होते थे सरकम सेंटर और सो सेंटर जो है वो ट्रेंगल के बाहर भी हो सकते हैं समझ आ गई बात ओके okay? ठीक है अब मेरी एक बात और सुनो गौर से हाँ भाई देखो इधर हमारे पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था ये ए है ये बी है ये सी है ये ओ है है ना ओ मुझे बताओ ट्रैंगल ए बी सी का ओर्थो सेंटर ओ पे है हाँ भाई बनाया हुआ है ए बी सी का ओर्थो सेंटर ए बी सी का सेंटर ओ पे है इसका उल्टा करो क्या एओ सी का ओर्थो सेंटर बी पर आएगा यह भी दिख रही है बात हाँ भाई क्या ए सी का ओर्थो सेंटर बी पर आ रहा है हाँ या ना ए सी का क्या यह लाइन एल्टीट्यूड का काम कर रही है ट्रेंगल की नाइनटी पे गिर रहा है ये भी किसका काम कर रही है एल्टीट्यूड का ए ओ सी ये लाइन भी किसका काम कर रही है पूरा एल्टीट्यूड का मतलब ए ओ सी का ओर्थो सेंटर कहां पे है बी पे और ए बी सी का ऑर्थोसेंटर कहाँ पे है ओ पे ये बात यहां पर भी कह सकते हो ए बी सी का ओर्थो सेंटर ओ पे है और अगर मेरे से पूछा जाए ए सी का ऑर्थोसेंटर कहाँ आएगा तो बोलूंगा बी पे अगर मेरे से बोला जाए ए बी का ऑर्थोसेंटर कहाँ आएगा सी पे और अगर पूछा जाए बी ओ सी का ऑर्थोसेंटर कहाँ आएगा ए पे तो जो ऑब्ट्यूस एंगल बनता होता है उसके बैक साइड ऑर्थोसेंटर बनता है तो जब मैं बी ओ सी की बात करूंगा तो obtuse एंगल यहां बना इसके बैक साइड यहां ऑर्थो सेंटर बनेगा ठीक बात है डायरेक्ट पूछी गई है एक बार ठीक है तो तीनों टाइप का सेंटर क्लियर है कौन कौन से हो गए अपने सेंट्रोइड हो गया इन सेंटर हो गया सरकम सेंटर हो गया और मेरे पास क्या हो गया ऑर्थो सेंटर से क्या, क्या? का अंदर बन रहा है का बाहर बन रहा है बस ठीक है अगर ट्रेंगल कभी भी आपका इक्विलेटरल ट्रेंगल हो तो इक्विलेटरल ट्रेंगल के अंदर याद रखना कि जो आप इस तरीके से एक लाइन बना दोगे ना ये वाली लाइन ये लाइन आपका सब कुछ होती है मतलब ये लाइन आपका आपकी मीडियन भी है ये लाइन एंगल बाय सेक्टर भी है और ये लाइन साइड बाय सेक्टर भी है और ये लाइन जो है वो एल्टीट्यूड भी है समझ आ गई बात तो ये एंगल अपने आप ही कितना कितना हो जाएगा में? तीस, तीस. ये कितना हो जाएगा जाएगा में ये नब्बे और ये मिड पॉइंट पे होगा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होएगी ठीक बात है ओके इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे के सारे लाइंस जो होती है वो क्या करती है ओवरलैप मतलब यही मेरी मीडियन है यही मेरी क्या है

बढ़िया आगे सुनो आइसोसेलस ट्रेंगल कभी भी अगर आपको दिया गया हो कि ट्रेंगल आपका आइसोसेलस है अच्छे सुनना काम की बात है अब आपके पास आइसोसेलस की दो साइडें बराबर है ठीक है तो इस आइसोसेलस ट्रेंगल की इन सेम साइडों के बीच में से जो लाइन आ रही है ना जो सेम साइडों के बीचों बीच में से है अगर मैं इसको मिड पॉइंट पे गिराऊंगा तो ये परपेंडिकुलर भी होएगी और एंगल को क्या करेगी बायोक्ट भी करेगी मतलब ये लाइन जो बनी है ये मेरी मीडियन भी है और ये लाइन मेरा एंगल बायोसेक्टर साइड बायोसेक्टर सब कुछ है ठीक है सिर्फ ये बाकी जो बनाऊंगा ना वो अलग अलग होएगी मतलब बाकी अलग अलग कैसे होएगी अगर मैं आपको बोलूं इसका एंगल बायसेक्टर बनाना है तो ये लाइन बनेगी अगर मैं बोलूं मुझे साइड बाई सेक्टर बनाना है तो वो थोड़ी सी अलग बनेगी अगर मैं बोलूं कि इसका इसका साइड बनाना है तो कुछ अलग बनेगी इस तरीके से ठीक है तो अगर मैं बोलूं एल्टीट्यूड खींचना है यहां से तो कहीं अलग गिरेगा जाके ठीक है तो ये चारों की चारों लाइनें मेरी क्या बनेंगी अलग अलग बनेंगी सेम उसी तरीके से अगर मैं इसवर टेक्स की बात करूंगा तो यहां से ये मेरा एल्टीट्यूड यहां से ये मेरा एंगल बाय सेक्टर यहां से ये मेरी मीडियंस आ गई और मीडियन से परपेंडिकुलर मेरा क्या होता है साइड बाय सेक्टर होता है तो ये पहला पॉइंट जहां साइड साइड बाय सेक्टर कटे मेरा सरकम सेंटर जहां पर एंगल बाय सेक्टर कटे इन सेंटर और जहां पर ये एंगल बाय सेक्टर नहीं था सॉरी सेंट्रोइड था क्योंकि मीडियन कट रही थी ये मीडियन थी ना यहां तक और ये मेरा क्या है इन सेंटर और ये मेरा क्या है ऑर्थो सेंटर समझ आ गई बात कहने का मतलब यह हुआ कि आइसोसेल ट्रैगल के अंदर ये चारों के चारों पॉइंट जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं ये बात लिख लेंगे कि के अंदर ये चारों के चारों जो सेंटर होते हैं वो एक ही लाइन पे आते हैं कोलिनियर होते, हैं। को होते, हैं। को होते हैं। है। इनका आई का कोई रेशो नहीं है बीच में आई का कोई लेना देना नहीं है लेकिन ओ जी सी जो होता है ओ का जी का और सी का जो रेशो होता है ये आपके पास टू रेशो वन होता है ऑर्थो सेंट्रोइड जो होता है वो ओर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के मिलाने वाली लाइन को टू रेशो वन में डिवाइड करता है ओ जी सी जो होता है वो टू रेशो वन होता है सर वैसे बाय द वे क्या हम एल्टीट्यूड प्रोटेक्टर से बना सकते हैं क्या एल्टीट्यूड कैसे बनाते थे एल्टीटूर्ड? किसी ट्रायंगल का अगर बनाना हो तो, तो कैसे बनाते हैं कंपास से बनाते हैं कैसे बनाते हैं कंपास से मान लो मुझे यहां से एल्टीट्यूड खींचना है तो क्या तरीका होता था मैं तो भूल गया यार इसको साइड में रख के कंपास बनाते हैं बस टी साइज के रूल से हैं टी साइज के रूल से उससे अरे साइड बाय सेक्टर निकालने का तरीका तो होता है यहां से आधे से ज्यादा कंपास को खोलकर ऊपर काट दिया नीचे काट दिया इधर से ऐसे काट दिया ऐसे काट दिया साइड बाय सेक्टर तो ऐसे बना देते थे पर एल्टीट्यूड कैसे खींचते थे कंपास से एल्टीट्यूड कैसे खींचा जाता था मेरे याद ही नहीं आ रहा फिलहाल कोई नहीं था? था। सर, हमारे तो याद ही नहीं होता है जो चीज याद नहीं होती का तरीका ही नहीं होता सौरभ कह रहा है सर हमको इससे मतलब ही क्या है हाँ मतलब तो नहीं है सही बात है क्यों टाइम खराब कर रहे हैं ना चलो छोड़ो इसको बंदा कहता मैं कोई मतलब नहीं तो मुझे भी कोई मतलब नहीं ठीक है ओके ये याद रह जाएगा ये हमारे पेपर में कभी काम नहीं आया ठीक है ओ जी सी जी का जो ओ जी सी का जो रेशो होता है टू रेशो वन होता है ये हमारे कभी काम नहीं आया तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है बस यहाँ पर याद रखना कि ये जो, ये जो आपके पास ए बी सी जो सेम साइडों के बीच में से जो मीडियन निकलती है ना वो मीडियन होने के साथ साथ वो एंगल बाय सेक्टर भी होती है वो साइड बाय सेक्टर भी होती है और वो एल्टीट्यूड भी होती है इसका ख्याल रखना ठीक है लेकिन बाकी इधर से जो निकलेगी वो सारी चीजें अलग अलग होएगी ठीक बात है ओके तो ये आईसो अरे आईसो ही तो बताया अब ऋषो ठीक है ओके चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो चारों टाइप के अपने जो सेंटर हो गए हैं इनके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं भाई क्वेश्चन नंबर तीन सौ करो आपका सीडीएस 2023 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है ट्रायंगल की आपको तीनों साइडें दे रखी है और आपको स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड बोला है तो ट्रायंगल का वो एल्टीट्यूड सबसे छोटा होता है जो सबसे बड़ी साइड पर गिरता है ठीक है सबसे बड़ी साइड के ऊपर जो एल्टीट्यूड गिरता है वो सबसे छोटा होता है और जो सबसे छोटी साइड के ऊपर एल्टीट्यूड गिरता है वो सबसे बड़ा होता है ये इसी बार के 2023 के सेकंड पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था सर इसके पी वाई क्यू अपलोडेड है हाँ भी इसके सारे पी वाई क्यू है बस एक साल के नहीं है पता नहीं कौन सा साल दो था दो हज़ार था शायद वो उसके अलावा बाकी सारे तो ऋतिक ने इसका आंसर भी बताया है तुषार ने तरीका बिल्कुल ठीक बताया है निखिल का भी आंसर बिल्कुल सही है तो आंसर इसका 11.2 है बिल्कुल ठीक है कैसे या सुनो सुनो भाई ये साइड तेरा ले ली ये साइड चौदह ले ली और ये साइड मैंने कितनी ले ली पंद्रह ले ली अब मुझे पता है कि सबसे बड़ी साइड के ऊपर जो एल्टीट्यूड गिरता है वो सबसे छोटा होता है ये एल्टीट्यूड सबसे छोटा है और इस एल्टीट्यूड को मैंने क्या मान लिया एच अगर एल्टीट्यूड एच है तो क्या इस का एरिया मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कह सकता हूं सही बात है ये ट्रायंगल का एरिया है। और यही एरिया क्या मैं हीरोन्स फॉर्मूले से निकालकर दूंगा तो एच आ जाएगा बस इतनी सी बात है। से इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लो, पुट कर दो एच की वैल्यू आ जाएगी तो हीरो निकालते हैं एस होता है ए प्लस बी प्लस सी टू तो बयालीस बटा दो कितना आ गया इक्कीस आ गया तो एरिया आपके पास हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यहां पुट कर दो तो यहां पर सात इंटू तीन इक्कीस का इक्कीस आ जाएगा इंटू इसके पास दो बच गया सोलह का चार आ जाएगा मेरे ख्याल से इतना ही आएगा ठीक है ओके। okay? तीन से काटा पांच बार तीन से काटा इसको सात बार तो सात चौके अट्ठाईस इंटू दो छप्पन छप्पन बटा में पांच मेरा आंसर आ गया 11.2 करो चक 56 अपॉन में 5 आंसर आ जाएगा सिर हम्म 13 का ट्रिपलेट होता है हमारे पास 13 का ट्रिपलेट होता है कितना होता है पांच 12 हाँ क्यों हाइपोटेनस तेरा ही हो सकता है पांच 12 हो तभी तेरा हो सकता है किसने बोला कि पांच 12 के केस में ये तेरा होता है कुछ और नंबर पॉइंटों में भी तो ऐसे होंगे जब मैं नहीं जानता उनके साथ में तो हाइपोटेनस कभी तेरा ही सकता है तो जो ए स्केयर प्लस बी टू वन को आंसर हो सकते हैं ठीक, okay? तो तो ठीक है एल्टीट्यूड निकालना हो, इस तरीके से निकालना है। हो जाएगा ठीक बात है अब मैंने ये बात कैसे बोली थी कि जिसका बेस सबसे बड़ा उसकी हाइट सबसे छोटी क्योंकि एरिया तो फिक्स है तो एरिया बराबर क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो इसकी वैल्यू आपके पास फिक्स है इतने इतने की तो ये बड़ा होएगा तो ये क्या होएगा छोटा समझ आ गई बात तो जिसका बेस बड़ा उसकी हाइट छोटी जिसकी हाइट जिसका बेस छोटा उसकी हाइट बड़ी ठीक बात है ओके है, याद रह जाएगी ठीक है तो क्वेश्चन नंबर तीन क्या तो मैं यहां पर तेरा ले, ले लेता सबसे छोटी साइड के सामने वाला लार्जेस्ट हो जाता है अगला क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल नकली क्वेश्चन फिर एरिया का कंसेप्ट एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है बस वही कंसेप्ट है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ए राइट एंगल ट्रैंगल एबीसी एबीसी एक राइट एंगल ट्रैंगल है बी पर कहता है इन इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस दस हां भाई दस सेंटीमीटर रेडियस के अंदर है तो मुझे पता है राइट एंगल ट्रैंगल के अंदर अगर मैं सर्कल इस तरीके से बनाऊंगा तो हाइपोटेनसी मेरा डायमीटर होता है ये बात मैंने पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले हाइपोटेनसी मेरा डायमीटर होता है तो रेडियस अगर 10 है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 20 और ए, ये जो एल्टीट्यूड है इस एसी के ऊपर जो एल्टीट्यूड फेंका गया है उसकी लेंथ क्वेश्चन वाले ने कितनी दी है 8 क्या मैंने सही बनाया तो 20 को अगर मैं बेस मानता हूं और 8 को अगर मैं हाइट मानता हूं तो क्या इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू में बीस इंटू में आठ हो जाएगा सही बात है अब उसने बोला बीसी को वाई मानो और इसको ए को एक्स मानो तो क्या ये इक्वल टू हाफ इंटू में एक्स इंटू वाई भी हो जाएगा हाफ से हाफ कट गया तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई बीस इंटू में आठ और बीस इंटू आठ कितनी हो जाएगी एक सौ साठ हो जाएगी सही बात है एरिया दो तरीके से एरिया आ गया एक राइट एंगल ट्रैंगल के एरिया लगा दिया मैंने ये बेस और इस साइड को काम में लेकर और एक बार मैंने इसी ट्रैंगल का एरिया ले लिया इस बीस को बेस मान के और इस एट को क्या मान के हाइट मान के तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस सर इस क्वेश्चन में एक्स और वाई इंडिविजुअल नहीं निकाल नहीं निकल पाएगा एक्स इंटू वाई मुझे पता है एक सौ साठ है पर मैं एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा ना भाई एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकल पाएगी कौन तो सा कहा बन रहे यार बारह सोलह बीस तो फिर उसका आठ हाइट थोड़ी होती है उसके बारह सोलह बीस वाले की थोड़ी होती है। थो से। अगर तो इसको बारह इसको सोलह लेता है तो बारह इंटू सोलह की वैल्यू कितनी होगी एक सौ बारह इंटू सोलह एक सौ सो बावन हो गया अभी मैं साठ निकाल के बैठा बारह सोलह बीस वाला ट्रिपलेट तो सेटिस तो किया ही नहीं तो कह रहा है कि इनमें से एक बारह होएगा, एक सोलह होगा तभी बीस होता है तो एक्स इंटू वाई कि वैल्यू कितनी आ गई बारह इंटू सोलह और बारह इंटू सोलह कितना होता है एक सौ बानवे होता है शायद बारह इंटू सोलह होता है ठीक है लेकिन मैंने अभी x इंटू वाई कितना निकाला इस क्वेश्चन में 160 तो फिर वही बात 20 हाइपोटेनस सिर्फ ट्रिपलेट का ही थोड़ी होता है यार कभी ये बात दिमाग से निकालेगा अगर किसी राइट एंगल ट्रैंगल की एक साइड अगर 20 होगी तो क्या ये 16 और 12 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती कभी और किसी सर्कल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये मेरा हाइपोटेनस है जो सर्कल का क्या है डायमीटर और सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है तो इसके अंदर भाई दुनिया भर के राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है इसके अंदर हर एक की साइड 12 16 ही थोड़ी होगी ले हाइपोटेनस तेरा 20 फिक्स हो गया हर एक की साइड 12 16 12 16 12 16 थोड़ी है हाइपोटेनस फिक्स है 20 वाला मनीष गुप्ता कह रहा है जय हिंद सर मैं रिकॉर्डिंग वाला हूं ठीक है ठीक बात है ओके okay, समझ आ गई बात ये क्वेश्चन नंबर मेरा 309 था अगला क्वेश्चन देखो भाई अगला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 295 का तो निखिल का बी है सौरभ का सी है ऋतिक का बी है राजा का सी है तुषार का सी है किसी ट्रैंगल ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है इसको मैंने ये बोल दिया ये मेरा ए बी हो गया और ये मेरा ए सी हो गया ये बराबर है सी इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए सी डी एक्स इसको उसने एक्स बोल दिया ए सी डी एक्स है तो बी ए सी बताओ क्या होगा बी ए सी ये एंगल आपसे पूछा गया क्या होगा ठीक बात है ओके ये तो नकली है अगर ये एक्स है तो अंदर वाला क्या होगा 180 एट्टी माइनस एक्स आइसोसेलस है तो सेम साइडों के सामने एंगल क्या होते हैं बराबर ये भी 180 एट्टी माइनस एक्स सही बात है

ये तो सीडीएस लेवल का क्वेश्चन ही नहीं था बाहर वाला एंगल अपना एक्स हो गया तो अंदर वाला एक सौ अस्सी ऐसे कैसे मान ली फिर तो हो गया इक्टर हो गया सारे एंगल हो गए ये तेरे एक सौ बीस हो गया फिर तो और एक सौ बीस हो गया तो साठ साठ आ गया ऐसे कैसे मान लेगा है। नहीं लिखा नहीं है। तो दो ये ऑप्शन भी तो सही है, ऑप्शन ये भी सही हो गया ये भी ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन आंसर आएगा क्यों आएगा एक्स वन ट्वेंटी होगा ना अगर इक्वलीटर ट्रेंगल लेगा तो एक्स तेरा वा वन ट्वेंटी बनेगा वन ट्वेंटी का डबल दो सौ चालीस दो सौ चालीस में से एक सौ अस्सी का साठ सेटिस्फाई कर तो रहा है ऑप्शन तो उसको गलत कैसे बोल रहा है? ठीक है बात अभी ओके है आगे चले फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे पास टू नाइनटी थ्री नंबर क्या ख्याल है इसके बारे में टू थ्री नंबर क्वेश्चन द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रैंगल इज लेस देन ट्वाइस द मीडियन द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ थ्री मीडियन सेकंड तो सीधा, सीधा सीधा सही है ना सही है तीनों साइडों का सम जो होता है वो तीनों मीडियन के सम से क्या होता है बड़ा होता है सेकंड स्टेटमेंट तो सीधा सीधा, सीधा ही सही है कल हमने किया था ये तो पहले के बारे में बताओ क्या ख्याल है

वाली से केसे कुछ केसेस में होगी कुछ केसेस सिर्फ पहले स्टेटमेंट के ऊपर बात है पहला स्टेटमेंट सही है गलत है बस तो पहला स्टेटमेंट यहां पर आपके पास गलत रहेगा ओनली टू इसका आंसर है कुछ केस के अंदर ये सही होगा कुछ केस के अंदर गलत होगा तो ये डिपेंड करेगा आपका ट्रायंगल कैसा है ठीक है हां अगर तीनों साइडें कुछ देता तब तो मेरा श्योर आंसर होता सही या गलत जो भी होता तब तो पक्का था लेकिन वो दो साइड की बात कर रहा है और दो साइड की बात कर रहा है तो भी आंसर कुछ भी हो सकता है वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सी दो साइड्स ले रहे हैं